अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लाई हूँ डीपनिंग पिक्चर्स। हर एक पिक्चर का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह से ये पिक्चर, इस पिक्चर का मीनिंग ये है कि एक लड़का एक छोटे से पौधे को लकड़ी की सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि इस छोटे से पौधे को बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जैसे ही चंद साल गुजरते हैं, जब दरख्त बड़ा हो जाता है और वो लड़का जिसने इस दरख्त को सपोर्ट दी थी वो बूढ़ा हो जाता है, तो यही दरख्त इसे अपनी लकड़ी देता है ताकि वो इसे पकड़ कर चल सके और इसे सपोर्ट हासिल करे। और इस पिक्चर का मीनिंग नहायत ही सिंपल है, जो कि इस पिक्चर में नज़र भी आ रहा है कि तमाम इंसान ने एक न एक दिन मर ही जाना है और मिट्टी के अंदर चले जाना है। अमीर हो या गरीब, सब का ही एंड बिल्कुल ही एक जैसा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी भी बात पर फ़ख्र ना करें, दूसरों को खुद से कमतर ना समझें। इस पिक्चर में जिसने ब्लू शर्ट पहनी हुई है, वो आदमी जब दूसरे ऑरेंज शर्ट वाले इंसान के पास साइकिल देता है तो वो कहता है कि काश मेरे पास भी होती। लेकिन ये जो साइकिल वाला आदमी है, जब कार वाले आदमी को देखता है तो वो कहता है कि काश मेरे पास भी कार होती। लेकिन जिसके पास कार है वो चाहता है उसके पास बहरी जहाज होता। इसी तरह से हर एक की अलग अलग ख्वाहिश है। कोई भी इंसान खुश नहीं है जो उसके पास मौजूद है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें चाहिए कि हम ना शुक्री ना करें, जो हमारे पास है हम उसमें ही शुक्र अदा करें। इस पिक्चर का मीनिंग ये है कि जैसे ही मदर्स डे आता है, हर किसी को अपनी माँ याद आ जाती है और उनके साथ सेल्फीज़ लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। लेकिन बाकी दिनों में अपनी माँ को अकेला छोड़ देते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं होती, हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ़ होता है और अपनी माँ की किसी को परवाह नहीं होती। उन्हें चाहिए कि अपनी माँ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, वो भी आप अपने बड़ों के साथ गुजारें, उन्हें अकेला ना छोड़ें। सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब के लिए उनका यूज़ मत करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अब मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।